नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है आपको नेशनल हाईवे 62 से, जहां पे दो ट्रकों के बीच में टक्कर हो गई और दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें कि एक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये पूरा मामला सुमेरपुर नेशनल हाईवे 62 का नेत्रा के पास दो ट्रक की टक्कर में दो की मौत हुई है और एक घायल हुआ है। हाईवे पर नेत्रा के पास कोयला से भरी ट्रेलर को ट्रक ने मारी है टक्कर। ट्रक रोड से नीचे खाई में जा गिरी। ट्रक गुजरात के ऊंझा से जोधपुर जा रहा था। आप बिल्कुल विजुअल्स को देख के तस्वीर बयां कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का ठोकर होगा और ये कितना तेज होगा। इसमें आप समझ सकते हैं कि वाहन की कितनी ज्यादा गति रही होगी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है। तो ये पूरा मामला आपको सुमेरपुर का है, जहां पे ठंड आते ही घटना एक्सीडेंट चलना शुरू हो जाता है, एक्सीडेंट का होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पे सवाल है कि क्या प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रख रखाव या उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं गया। आखिरकार ये टक्कर क्यों हुआ या कम विजिबिलिटी थी, इन तमाम चीजों के ऊपर में हमसे थोड़ी देर में हमारे संवाददाता पुखराज जोड़ेंगे। बहरहाल आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ठोकर लगी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुखराज। पुखराज, ये पूरा क्या मामला है? मामला ये है सर, आज सुबह करीब 5 बजे दोनों ट्रकों में भिड़ंत होगी। भिड़ंत इतनी गंभीर थी कि जिसमें दो व्यक्तियों की मौत होगी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जी, दो व्यक्ति की जो मौत हुई है, क्या वो ट्रक में ही सवार थे या कोई और अन्य लोग थे? कौन थे वो लोग? वो ट्रक में ही सवार थे, एक तो मालिक बताया जा रहा है और एक ड्राइवर है। जी, तो जो लोग मरे हैं और उसके बाद आपकी पुलिस से जो बात हुई, तो छानबीन में क्या कुछ मालूम हो पाया आपसे? क्या पुलिस से बात हुई, क्या कह रहे हैं उनका, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन पुलिस ये बता रही है कि ये दोनों ट्रक, एक ट्रक खड़ा था जो पीछे से कोयला से भरा हुआ ट्रक था, उसने खड़ी ट्रक की टक्कर मारी जिससे खाई में जाकर ट्रक गिरा, जिसमें मालिक और ड्राइवर थे वो दोनों वही मौके पर ही मौत हो गई दोनों की, और एक गंभीर रूप से घायल हुआ उसको आगे रेफर कर दिया गया है। और मौके से बताइए, मौके से जो कोयला ट्रक था वो फरार है, अभी पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है पुखराज की जो इस तरीके के चालक होते हैं ट्रक के, वो ड्रिंक करके दारू पी के चलते हैं या नशा करते हैं, कुछ ऐसा भी एंगल है कि कुछ दारू पी के गाड़ी को हिट कर दिया हो? जी, ये सुबह 5 बजे की घटना है जी, और नीम की जोक में मतलब ये हादसा हुआ है। जी जी, पुखराज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एक बार फिर सवाल कि आखिरकार इतनी तेज गति चलाने की जरूरत क्या है कि आप अपना जान खो बैठे, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल लाइव। नमस्कार।